पुलिस थाना पिथौरा में होली एवं सभी बारात पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि व्यापारी पत्रकारों के साथ शांति समिति की बैठक आहूति की गई। पिथौरा SDOP और थाना प्रभारी ने उपस्थित शांति समिति के सदस्यों एवं अन्य प्रबुद्ध जनों से अनुरोध किया कि आगामी होली और सभी बारात का पर्व सहयोग से शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण में बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शांति समिति के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी निभाते रहे हैं और इस बार भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित है। उक्त बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, आम नागरिक, सामाजिक जन, पत्रकारगण उपस्थित थे। आज शाम को थाना पिथौरा परिसर में पिथौरा के सभी संप्रदाय के लोग, गणमान्य नागरिक और नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, पत्रकारगण सभी लोग उपस्थित आए और उन्हें हमारे वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया और सभी से सुझाव लिया गया। उनके सुझाव को नोट किए हैं। उसके अनुसार सभ्य बारात और होलिका दहन दूसरे दिन होली के त्यौहार में उसमें अमल में लाएंगे, ऐसा हमने सबको आश्वस्त किया है। और रंगों की एक सर कुछ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो दिन पहले से ही वाहन चेकिंग जारी है, जिसमें 3 सवारी बिना हेलमेट, दारू पीकर वाहन चलाने वाले ऐसे लोगों को चेक कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पेट्रोलिंग की क्या स्थिति रहेगी? हमारे थाना क्षेत्र में और सब डिवीजन में सभी थानों में 3-3 पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और वो सतत जब तक के त्यौहार रहेगा तब तक पेट्रोलिंग जारी रहेगी। महिला सुरक्षा के लिए क्या की है? महिला के लिए भी हमारे सादे वर्दी में जवान लगे हुए हैं, महिला बल भी लगा हुआ है। थोड़ा से राजा बाबू उपाध्याय, CGVision TV।